जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः 27 मार्च चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है आज, और जो दिन है वह शुक्रवार है। वैधरती नामक एक बहुत सुंदर योग है। आज अश्वनी नक्षत्र का चौथा चरण है। राहु काल जो है आज का वह सुबह 9:53 से 12:26 तक 12:26 दोपहर में रहने वाला है। इस राहु काल के दौरान किसी भी प्रकार का कोई शुभ कार्य करना वर्जित है। कैसी विडंबना है ये। आज सनातन हिंदू धर्म में हमारे नवरात्रों का पर्व युगों युगों से हमारे भारतवर्ष में भारत भूमि में मनाया जा रहा है, किंतु आज कोरोना नामक महामारी के कारण हम सभी लोग अपने ही घरों में बंद हैं। हमारे सभी धर्म स्थलों पर ताले लगे हुए हैं, और इस विडंबना में हम सब, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र, हमारी सरकार चाहकर भी इस शुभ पर्व पर कुछ भी करने में असमर्थ है। कैसा घोर कलयुग आ गया है कि इस प्रकार की बीमारियां, इस प्रकार के कोरोना नामक वायरस हमें बार बार, कभी डेंगू बनकर, कभी चिकनगुनिया बनकर, कभी स्वाइन फ्लू बनकर, महामारी के रूप में हमें बार बार अटैक कर रहे हैं और लाखों लोगों की जानों को लील रहे हैं। और इस बार तो पूरा विश्व ही इस कोरोना नामक महामारी की चपेट में आया हुआ है। हालांकि मैं कोरोना के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, किन ग्रह नक्षत्रों में इसका जन्म हुआ है, इसको और अधिक जानने के लिए आप मेरे कोरोना नामक वायरस पर बनाई गई वीडियो को अवश्य देखें। शायद आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है कितना मजबूत है, कितना स्ट्रांग है। हमारी ऋषि मुनियों ने हमारे को जो खोज करके दी है, जो हमारे धर्म ग्रंथों में अंकित है, वो कितनी महत्वपूर्ण है कि हम पहले ही जान चुके थे कि एक बहुत बड़ी महामारी हमारे ऊपर अटैक करने वाली है, जिसमें बहुत सारे लोगों की जन हानि होगी। और यह वायरस हम सबको हमारे ही घरों में बंद कर देगा। आज मैं इस सब के बावजूद भी फिर से उन सभी लोगों को, जिनका आज जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, या जिन लोगों की जिंदगी का कोई महत्वपूर्ण दिन है, उन सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूं, उनके लिए मंगल कामना करता हूं, और परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उसका आशीर्वाद आप सब लोगों पर धन धान सुख शांति संपत्ति की निरंतर वर्षा करता रहे, आपको कोरोना नामक वायरस से हर प्रकार से सुरक्षित रखे। और वो व्यक्ति जो यह चाहते हैं कि मेरा या गुरु मां रुक्मणी का या स्वामी राज ऋषि का पर्सनलाइज्ड मैसेज गुरुजी के फोटो के साथ आपको प्राप्त हो, उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूंगा, आप बिना किसी झिझक के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो हमारी मोबाइल ऐप का लिंक आ रहा है, उस मोबाइल ऐप के लिंक को डाउनलोड करिए, और वहां जाकर अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे तो निश्चित रूप से हम आपको बधाई संदेश जो है पर्सनलाइज रूप से आपको भेज सकेंगे, जिसे देखकर आपको निश्चित रूप से अत्यंत प्रसन्नता होगी। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि वालों का आज का राशिफल। मेष राशि वालों, मन तो आपका बहुत कर रहा होगा कहीं यात्रा करने का, कहीं ना कहीं मौका भी मिलेगा, किंतु देश, समाज और परिस्थितियां हमें इजाजत नहीं दे रही है। इस समय कोरोना नामक वायरस हमें इजाजत नहीं दे रहा घर से बाहर निकलने के लिए, तो बेटर है आप घर में ही
आनंद कीजिए, घर में ही टीवी देखकर या घर से ही अपने अन्य कार्यों को संचालित कर आज अपने घर के वातावरण का अपने घर परिवार के साथ मिलकर एंजॉय करें। वैसे जो आज का दिन है पितृपक्ष के यानी परिवार के लोगों के आशीर्वाद के साथ उनके साथ मौज मस्ती का दिन है, तो आप इस मौज मस्ती के दिन को अपने हाथ से बिल्कुल भी स्लिप नहीं करने दीजिए। हालांकि मैं जानता हूं भाई बहनों के साथ जो आपके संबंध हैं वो थोड़ा सा आपके लिए अड़चन देते हैं, मगर अगर आप भाई बहनों के सहयोग से उनकी सलाह मानकर आगे बढ़ेंगे, अपनी आमदनी को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से आपकी आमदनी बढ़ने वाली है। माता का आशीर्वाद भी पूरी तरीके से आपके साथ है, माता का आशीर्वाद लेकर आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। जहां तक बात करते हैं एजुकेशन की, तो एजुकेशन से संबंधित ग्रह आपको कोई शुभ सूचना इस समय नहीं दे रहा है, हालांकि नेगेटिव सूचना ही आपको ज्यादा प्राप्त हो रही है। फिर भी वो सभी स्टूडेंट्स जो बहुत मेहनत करते हैं मगर उनके अच्छे नंबर नहीं आते हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जिनका मन पढ़ाई लिखाई में ही नहीं लगता, सामने किताबें रखी होती हैं, वो कहीं और ध्यान चला जाता है, उन सभी स्टूडेंटों से कहना चाहूंगा बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क स्थापित करिए। हम वीडियो कॉल, फोन कॉल, ईमेल या पर्सनली मिलकर आपके जो मार्क्स हैं पहले से न सिर्फ हर बार अच्छे आया करेंगे अपितु आपका मन पढ़ाई लिखाई में भी लगने लगेगा, इस बात का हम आपको वचन देते हैं। मेरा नाम संगीता सिंह है। कहाँ रहते हो आप? दिल्ली शास्त्री नगर। गुरु जी ने मुझे बताया था रिंग्स के लिए, मैंने 3 साल पहले वो रिंग्स बनवाई थी तो उसका मुझे अच्छा इफेक्ट हुआ था। 1 महीने बाद मुझे असर दिख गया था। उस टाइम पे मैं थोड़ा नहीं कहूंगी, बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम में थी, लेकिन उसके बाद 1-1.5 साल मैंने बहुत अच्छा टाइम देखा। जरा जब मैं आई थी यहाँ पर तो कर्जा था मेरे ऊपर, लेकिन उसके बाद मैंने 1-1.5 साल में जब जो रिंग्स बनवाई थी गुरु जी के थ्रू तो उसका अच्छा इफेक्ट हुआ था, कर्जा भी उतरा। प्लस उस टाइम पे मैं गुरुजी से ये पूछने आई थी कि गुरुजी मेरा मकान कभी होगा अपना? अभी मैं अपना मकान खरीद लिया है मैंने कई जगह जाकर देखा ऐसे, लेकिन मुझे कहीं विश्वास नहीं हुआ। यहाँ पर क्या है कि धोखा नहीं लगा सबसे बड़ी चीज, और झूठ नहीं है। यहाँ पर आपको एक नई समस्या उत्पन्न हो सकती है जोड़ों के दर्द की, या गठिया से संबंधित या श्वास से संबंधित आपको समस्या हो सकती है। अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अगर आपको जोड़ों या गठिया से संबंधित कोई समस्या आ रही है तो बिना किसी चीज के आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क स्थापित कर हमारे छोटे से उपाय से लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ आज आपके अच्छे संबंध रहने वाले हैं, उन संबंधों को बढ़ाने का और मधुर रखने का प्रयास करें। जैसा कि आप स्वयं जानते हैं कि जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर नहीं रहते हैं, इन संबंधों में मधुरता लाने के लिए आप हमारे द्वारा किए गए छोटे छोटे उपायों को करने से निश्चित रूप से शुभ लाभ की प्राप्ति कर सकते हैं, आपके संबंध मधुर हो सकते हैं। प्रेमी युगलों से कहना चाहूंगा कि आपके लिए यह समय लड़ने झगड़ने का बिल्कुल भी नहीं है, गुस्से से लड़ाई झगड़े से परहेज करें। अगर आप गुस्सा करेंगे तो आप अपना ही नुकसान करेंगे। भाग्य की दृष्टि से देखा जाए तो भाग्य आपके लिए शुभ संदेश दे रहा है, कार्यस्थल पर भी आपको शुभ संदेश की प्राप्ति हो रही है, आपको अचानक से धन लाभ भी प्राप्त हो रहा है, आप जो कर्म कर रहे हैं वो धन में परिवर्तित हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो समय आपके लिए मिला जुला समय है, इस समय का जितना सदुपयोग करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा है। मेष राशि वाले लोगों के लिए लव टिप्स देना चाहूंगा, अगर वो सूर्य भगवान का मंत्र का विधिवत जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंधों में अवश्य सुधार आएगा। आप 3 दिन तक यह मंत्र जाप करके देखिए, अगर आपके पास सूर्य भगवान के मंत्र जाप की विधि उपलब्ध नहीं है तो आप बिना किसी झिझक के हमारी वेबसाइट पर जाकर हमें ईमेल कर सकते हैं और हमारे यहाँ से निःशुल्क सूर्य भगवान के मंत्र जाप की पूरी विधि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो लोग ऐसा महसूस करते हैं वो मंत्र जाप नहीं कर सकते,
उन लोगों से मैं कहना चाहूंगा बिना किसी झिझक के स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर हमसे संपर्क करिए। हम आपकी जन्म कुंडली देखकर, आपका चेहरा देखकर, आपकी परेशानियों को समझकर निश्चित रूप से आपके प्रेम प्रसंगों के मसले में आपको उचित समाधान देने का भरपूर प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी कल के ग्रह नक्षत्रों के साथ। जय शनिदेव।